तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है। कैसे कैसे? अरे रुको जरा, सबर करो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद। वाह, मेरे से भी मेरा लजी। ये कौन सा संस्कार है? अरे घर में तब बात दूर, कहीं आदमी गाली क्यों देगा? आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद। सुनिए सीधी बात, रुक जाओ संजय, दो मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए, तो मानूंगा मैं आपको। अरे भाई ये कोई महाशय को समझा है कि इंसान का लक्षण सब जगह से में होता है, चाहे वो घर हो या कहीं और, लेकिन ये ऐसी बहकी बहकी काहे बतिया रहे हैं? घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झांपड़ मारो, बोल सकते हैं क्या आप? अरे दिमाग खराब है क्या ये आदमी का, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है? नहीं बोल सकते? नहीं श्रीमान, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मगर यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस तरह की ओछी हरकत एकदम निंदनीय है, आज ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आजादी हमारे देश में आपकी, बोल सकते हैं। देखिए खेर साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, और हम बोल चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी जो वादा करते हैं ना, उसको तो पूरा कर भी नहीं करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देखेगा। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। भाई 2022 तो आ गया, लेकिन पक्का घर की तो बात दूर, लोग बेघर हो चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है, इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी। अब इस पे अनभक मंडी के लोगों का क्या विचार है? देखिए भैया, हम सबाई जानते हैं कि मोदी जी भाषण बहुत जबरदस्त देते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए वादों को गृह मंत्री तो जुमला बता देते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, 15 लाखवा वाला बतवा खुद सुन लीजिए ना। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। क्या मायला, तो मेरा मन तो ऐसा करता कि ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। क्या हो मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह।